माँ जी, शायद आप मुझे इस महीने पगार देना भूल गई हैं, तो सोचा याद दिला दूँ। अरे हाँ, मैं बस देने ही वाली थी, रुको। लाओ मम्मी, मैं देती हूँ। अरे मुस्कान, ये क्या किया तुमने? ऐसे कौन देता है पैसे? अरे मम्मी, मैंने बिल्कुल ठीक किया। इन जैसे काम वालियों को ना मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। काम काज तो कुछ करना नहीं होता, बस चाहिए इनको छुट्टी पर छुट्टी। इसकी 4 दिन की छुट्टी काट के पैसे दिए इसे मैंने। अरे बेटा, अगर उसने 2-4 छुट्टी कर भी ली है तो क्या हो गया? मम्मी, मैंने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। और इन जैसे लोगों को जब तक सबक नहीं ना सिखाया जाए, तब तक इन्हें एहसास नहीं होगा। और तू क्या कर रही है खड़ी यहाँ पे? चल। पर दीदी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। ज्यादा जुबान मत चला समझी, वरना ये पैसे भी ना ले लूंगी वापस। चल जा यहां से। सही कह रही हो बेटा तुम, सबक सिखाना तो जरूरी है। मुस्कान, देखना ये मैसेज कहां से आ रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, देख जरा। अरे मम्मी, मैं बिजी हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद आना, अभी जाओ यहाँ से। अरे बेटा, तेरे काम का मैसेज ना हो कहीं, देख ले ले। मम्मी, आप जाती हो कि नहीं? बार बार आके परेशान मत करो, नहीं तो मैं अपना फोन तोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं जाती हूँ मैं। मुस्कान, मैंने पता लगवा लिया, वो मैसेज ना तेरे कॉलेज से आ रहा था। तेरी फीस जानी थी ना, आज लास्ट डेट थी, और अब तो कह रहे हैं जाएगी नहीं, अब तो पेनल्टी लगेगी। ओह शिट मम्मी, वो तो मेरे कॉलेज का मैसेज था, मैंने वहां पे तो आपका नंबर दे रखा है। आप एक काम करो ना, मेरी फी और पेनल्टी दोनों भर दो। दोनों भर दो? कहां से भरूंगी मैं, कहां से लाऊंगी इतने सारे पैसे? एक ही खर्चा थोड़ी ना है, घर के 100 खर्चे होते हैं। अरे काम वाले के पैसे देने हैं, रामू काका के पैसे देने हैं, और भी 100 खर्चे हैं घर के, मैं नहीं दे सकती डबल पेनल्टी। अच्छा ठीक है। अरे मम्मी, एक काम करो ना, एक महीने के लिए ना इन सबको छुट्टी दे दो। इनके बदले घर का सारा काम मैं खुद कर लूंगी, कोई भी काम होगा मैं कर लूंगी मम्मा। और इससे आपको पैसों का बर्डन भी नहीं होगा, और मेरी फी और पेनल्टी दोनों आप भर देना। देख ले, घर के सारे काम करने पड़ेंगे, मार्केट भी जाना पड़ेगा। हाँ मैं कर लूंगी। चल ठीक है, मैं सबको हटा रही हूँ काम से, तू कर लेना एक महीने का काम पूरा और मैं तुझे पैसे दे दूंगी फीस के। ठीक है। ये लो मम्मी, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, जा रसोई का देख ले। ठीक है। मुस्कान बेटा। जी। बेटा मेरी दवाइयां खत्म हो गई हैं, ये ला दे। लाओ मम्मी, मेरी सैलरी, इससे मैं अपने कॉलेज की फी और पेनल्टी दोनों भर दूंगी। दे रही हूँ। लो। ये क्या बदतमीजी है मम्मा, ये क्या तरीका है? जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। और तू मुझे तमीज सिखाएगी, जिसे खुद बात करने की तमीज नहीं है दूसरों से, बड़े छोटे का भेदभाव पता नहीं है, तू सिखाएगी मुझे तमीज? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हो? अच्छा बेटा, अब क्यों समझोगी तुम? तुम्हें याद है तुमने उस काम वाले को उसकी मेहनत के पैसे कैसे उसके मुंह पे फेंक के मारे थे? भूल गई क्या गलती थी उसकी? वो भी तो एक इंसान है ना, अगर उसने 2-4 छुट्टियां कर भी ली तो क्या बुरा किया?
और पक्का उसकी कोई मजबूरी रही होगी छुट्टी करने के पीछे। और तुमने उसे कितना बुरा भला सुनाया, जब भी हमें उसकी जरूरत होती है वो हमारे साथ खड़ी रहती है। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया जिसे कुछ नहीं आता दूसरों से बदतमीजी करने के सिवा। तुझ में अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना तो उससे माफी मांग लेना, और दोबारा किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार मत करना कि उन्हें बुरा लगे। और रही पैसों की बात ना, तो अपने घर में वो अकेली कमाने वाली है, उसी के पैसों से घर चलता है। कल जब वो काम पर आएगी तो उसके सारे पैसे वापस कर देना, समझी? ठीक है मम्मी। हेलो पूजा, वो कब तक आ रही है? तो ठीक है आ जा। नमस्ते दीदी, कैसी है पूजा? ठीक है हूँ। ये ले तेरी पूरी सैलरी। वो मुझे ना उस दिन के लिए माफ कर देना, मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा ना, तुझे कितना बुरा लगा होगा ना। आखिर तू तो अपनी मेहनत की कमाई मांग रही थी ना मुझसे, अब तेरा घर भी तो इन्हीं चीज़ों से चलेगा ना। तू तो इतना काम करती है, इतनी मेहनत करती है, मैं समझ सकती हूँ। और हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुझे नीचा नहीं दिखाना चाहिए था।